हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब कोई घर पर स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 3 के पाठ 14 पक्षी यात्रा पाठ को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको पक्षी यात्रा का अर्थ बताने जा रही हूँ। पक्षी का मतलब होता है बच्चों चिड़िया, बर्ड, और यात्रा यात्रा का मतलब होता है सफर यानी जर्नी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पक्षियों की यात्रा। बच्चों, इस लेख में बिहार की एक झील जिसका नाम है कबर झील, उस झील की वर्तमानिक हालात को दर्शाने की कोशिश की गई। इस लेख को पढ़ाने के बाद आप जानेंगे कि पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि हमें नदियों और झीलों को बचाना चाहिए। इसका कारण है कि यह नदियां और झीलें तरह तरह के पशु और पक्षियों का आशियाना है। आशियाना यानी उनका घर। तो बच्चों, आओ इस लेख को पढ़ते हैं। और इस लेख में मुख्य दो भूमिकाएं हैं, एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है मोहित और उसके पिता। मोहित ने स्कूल में पढ़ा था पक्षी यात्रा के बारे में, पर उसे ठीक से समझ में नहीं आया और वह अपने पिता से इसके बारे में पूछता है। और फिर मोहित के पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि छुट्टियों में जब वे सब गांव जाएंगे तो वहां उसे झील दिखाएंगे, झील यानी लेक, क्योंकि उस झील में, वहां उनके गांव में भी एक ऐसी झील है जहां हर साल सर्दियों में दूर दूर देश विदेश से पक्षियां उड़कर वहां आती है। तो उसके पिताजी ने मोहित से कहा कि जब वे गांव जाएंगे तो वहां उसे उस झील की सैर कराएंगे और वहां अनेक तरह के पक्षियों को दिखाएंगे। अब बच्चों, आगे इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पक्षी उड़ने वाले जीव हैं और कुछ पक्षी जल में निवास करते हैं, जैसे सारस, हंस, बगुला आदि। ये पक्षियां यानी ये चिड़िया पानी की मछलियों तथा अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। पक्षियों का संसार बहुत बड़ा होता है, ये देश की सीमाओं को नहीं जानते। कुछ पक्षी शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में लंबी उड़ानें भरते हुए गर्म जगहों में प्रवास करते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। भारत में हर साल साइबेरिया के प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। आगमन यानी कि आते हैं वे। आज इस पाठ के द्वारा मैं आप सबको कावर झील, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसे स्थानीय रूप में काबर ताल या कनवार ताल भी कहते हैं, इसी झील को लेकर यह लेख लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। छुट्टियां शुरू हो गई। जैसा कि मोहित के पिता ने मोहित से वादा किया था कि छुट्टियों में वे उसे गांव की सैर कराएंगे और झील दिखाएंगे, मोहित अपने परिवार के साथ गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचने के बाद अगले दिन मोहित के पिता उसे लेकर कावर झील देखने गए। झील पर पहुंचकर पिताजी बोले, यह क्या, झील तो सूख कर बहुत कम भूभाग पर रह गई है। यहाँ पक्षी भी बहुत कम हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी झील होती थी, बहुत से पक्षी हर वर्ष
विदेशों से यहाँ आते थे। ओह, झील के बहुत बड़े भूभाग पर खेती होने लगी है। तो बच्चों, वहाँ मोहित के पिता जब पहुंचे, झील के किनारे पहुंचे, तो वहाँ उन्हें झील का जो नजारा है वो देखकर उसे काफी दुख हुआ। यह सब देखकर पिताजी को बहुत हैरानी भी हुई। फिर मोहित ने पिताजी के साथ चारों ओर घूमकर झील को देखा। इतनी बड़ी झील अपना आकार सिकोड़कर दलदल में बदल गई। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी और आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। बच्चों, भारत में ऐसी बहुत सी सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी जगह है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इन्हें देखने के लिए। पर अब ऐसी बहुत सी पर्यटक जगहें अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो चुकी है। कारण, बढ़ती हुई प्रदूषण और कल कारखाने, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। शायद इस झील की सूखने का कारण भी यही हो। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने का मतलब है मोहित के पिता और मोहित दोनों ने इसका कारण जानना चाहा। तो वहां पर एक व्यक्ति से पता चला कि वर्षा न होने के कारण दिन प्रतिदिन झील सूखती चली गई। जब झील में पानी कम हुआ तो पक्षियों का आना भी कम हो गया। आज इस झील की दयनीय हालत, दर्दनाक हालत, दयनीय का अर्थ है दर्दनाक हालत हो चुकी है। यहाँ के लोग इस झील से मछली पकड़कर अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं, लेकिन वो आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इस झील को देखने के लिए बहुत से विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते थे। अब वे भी यहाँ आना बंद हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ रोजगार की कमी हो चुकी है। इससे पहले अब यह झील अपने वजूद में थी, तब यहाँ पर बहुत से विदेशी पर्यटक घूमने आते थे। कुछ पर्यटकों ने तो साइबेरियन पक्षियों के पहचान के लिए उनके पंजों में छल्ले भी पहनाए। इन पक्षियों की पहचान दुनिया के अन्य देशों में भी की गई। अब इस झील का अस्तित्व खतरे में है। यहाँ पक्षी भी आना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस झील से पक्षियों का आशियाना उजड़ चुका है। कुछ पक्षी अब भी आते हैं, परंतु यहाँ पानी और उनके खाने की कमी होने के कारण वे वापस लौट आते हैं। शायद वे यही गाते हुए वापस हो जाते होंगे, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। बच्चों, तो यह काबर झील के बारे में थी, जो कि सच में बहुत दुख की बात है। बच्चों, भारतीय राज्य में बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। मैं इस झील के बारे में बता रही हूँ। इस झील और आसपास की नम भूमि, यानी जिसे अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, इस नम भूमि को पक्षी विहार का दर्ज प्राप्त है। यहाँ जारों में काफी प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें विदेशी पक्षी भी शामिल है। हालांकि हाल के समय में यह झील पानी की कमी से जूझ रही है, और सरकारी योजनाओं के पारित होने के बावजूद उपेक्षा के चलते
संकटपूर्ण स्थिति में है। भारत सरकार को चाहिए कि पक्षियों के इन उजड़ते आशियानों को बचाने के लिए प्रयास किया जाए। ताकि ऐसी झीलों पर फिर से पक्षियों के कलरव को महसूस किया जा सके, अतः हमें पक्षी विहारों व पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है इस पाठ से आप सब पक्षियों के बारे में, खासकर प्रवासी पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिली होंगी और साथ ही कांवर झील के बारे में भी। तो बच्चों, बढ़ते हैं अब कुछ ऐसे कठिन और नए शब्द के अर्थ को लेकर। सबसे पहला शब्द है साल। साल का अर्थ है वर्ष, इंग्लिश में इसे ईयर कहते हैं। वजूद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। पंजा, पक्षी का पांव, क्लॉ। आशियाना, ठिकाना, हो। दयनीय, खराब, पोर। पर्यटक, सैलानी, टूरिस्ट। दुनिया, संसार, वर्ल्ड। पंछी, पक्षी, बर्ड। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को आप बार बार पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए नए शब्द हैं। कठिन है, मगर आप अगर अभ्यास करेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। इसे लिखकर अभ्यास कीजिएगा, पाठ को भी बार बार पढ़िएगा। तो उम्मीद है आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ एक और वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।